आई होप गाइस कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग रोज की तरह बहुत ही मस्त होंगे। फ्रेंड आज हम लोग सीखेंगे कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग, फेस स्मूथ हाई क्वालिटी HD। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फेस पे कितना स्मूथ हुआ है। आप लोग मतलब देख सकते हैं, आप लोग फोटो के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, आप लोग को मेरे भाई ऐसा फोटो एडिटिंग सीखना है तभी आप लोग वीडियो को देखिएगा लो, नहीं तो अभी छोड़कर वीडियो चले जाइएगा लो। ठीक है, क्योंकि आप लोग यार वीडियो को स्किप करके देखते हो और भाई बोलते हो कि भाई फेक एडिटिंग बता रहे। मेरे भाई बिना देखे ही कोई मतलब कैसे सीख जाता है। ठीक है, फोटो एडिटिंग में मेरे भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो फ्रेंड ये फोटो मतलब 4 स्टेप में सेम जैसा थंबनेल में दिखाए थे वैसा ही फोटो एडिटिंग आप लोग को भी बताएंगे। ठीक है, एकदम रियल एडिटिंग। ठीक है मेरे भाई, तो फ्रेंड आप लोग को भी सीखना है तो आप लोग मेरे चैनल पर नए रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी एडिटिंग रिलेटेड से वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो फ्रेंड आप लोग यार देख सकते हैं कितना हार्ड स्मूथ एंड बैकग्राउंड पे आप लोग कलर हुआ है, कितना ब्लर ज़्यादा हुआ है ना। आप लोग मतलब देख सकते हैं एकदम क्वालिटी में है फोटो। यहाँ पे गौर कीजिएगा लो, बिफोर एंड आफ्टर यहाँ पे गौर कीजिएगा लो, कितना धुंधलापन सा जा रहा है ना, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड ये रहा हमारा सिंपल फोटो, आप लोग देख सकते हैं कितना धुंधलापन सा आ जा रहा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को शेयर कर लेना है। यहाँ पे देखिएगा लो शेयर वाला आइकन होगा, सिंपली इस पर क्लिक कर लीजिएगा लो और डायरेक्ट रेमनी ऐप तो जानते होंगे। ठीक है, आजकल मतलब हर एक बच्चा मतलब रेमनी ऐप, हर एक भाई मतलब रेमनी ऐप को जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके रेमनी मार लीजिएगा लो। ओके, एड आएगा थोड़ा बहुत। हाँ तो फ्रेंड आप लोग को जब रेमनी मारेंगे ना तो ऐड ख़त्म होगा, तो ऐसा ही इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पर क्लिक करके और इसको मतलब यहाँ पे मतलब ऐसे स्क्रॉल कर लीजिएगा। अब इतना ही से हमारा फोटो देखिए, जो भी मतलब धुंधलापन सा आ रहा था ना ये हट गया है। देखिएगा लो बिफोर एंड आफ्टर, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्लिक करिएगा ना तो यहाँ पर फिर से ऐड आ जाएगा। ठीक है, तो डाउनलोड पर क्लिक करके और सेव कर लीजिएगा लो। ओके, मिनट तक खेले और हाँ तो मेरे भाई देखिए हमारा ऐड भी खत्म हो चुका है और सिंपली फोटो हमारा डाउनलोड हो चुका है। ओके, और उसके बाद से आप लोग को डायरेक्ट ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको शेयर कर लेना है, ऑटोडिक्स एप्लीकेशन के अंदर डायरेक्ट शेयर कर लेना है। ओके, हाँ तो मेरे भाई उसके बाद से आप लोग को यहाँ पे एक ब्रश का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पर क्लिक कर लीजिएगा। ओके, और डायरेक्ट यहाँ पे मेरा एक ब्रश मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इस पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद से यहाँ पे ऊपर के साइड एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा लो। ओके, और यहाँ पे ऊपर के साइड एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके और स्मूथ पे मतलब इस पर क्लिक कर लेना है स्मूथ पे। ठीक है, और आप लोग को यार सेटिंग बता देते हैं कौन सा सेटिंग से हमारा स्मूथ बहुत ही अच्छा से होता है। तो सबसे पहले इसको सेटिंग बना लेते हैं, इसको 6 रख देते हैं। ओके, और इसको ज़्यादा नहीं, बस इसको भी हल्का माइनस करना है, इसको 12 रख देते हैं। ओके, और मेरे भाई ये है हमारा साइज। ठीक है, साइज को मतलब आप लोग डिपेंड कर सकते हैं, साइज मतलब जब तक नहीं मिलाएंगे तब तक हमारा ब्लैक ब्लैक सा धब्बा सा हो जाएगा। तो साइज आप लोग देख सकते हैं कितना पर हमारा साइज है। ठीक है, और मेरे भाई उसके बाद से जूम कर लेना है फोटो को अच्छा से, और आप लोग को हल्का साइज को और कम कर देते हैं। ओके, और आप लोग को स्मूथ करना है। देखिएगा कितना मस्त स्मूथ हो रहा है ना, कितना हेवी वाला स्मूथ हो रहा है ना, कितना अच्छा से हल्का हाथों से करना है। ठीक है फ्रेंड, तभी हमारा स्मूथ होता है। हाँ तो फ्रेंड आप लोग के मतलब क्यों ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है आपको पता है, जैसे यहाँ पे देखिएगा लो मतलब हमारा कम जगह है। ठीक है, तो आप लोग यार ब्रश पे क्लिक करके और साइज मतलब ज़्यादा रखते हैं और उसके बाद से आप लोग स्मूथ करते हैं ना, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा लो पूरा ब्राउनी मिट गया। कैसे हो गया, आप लोग ऐसे ही मतलब आपके साथ होता है तो आप लोग मतलब गलत तरीके से यूज करते हैं लोग। ठीक है, तो सबसे पहले इसको रिमूव कर लेते हैं और मेरे भाई साइज को मतलब हल्का माइनस ही रखना है जगह के हिसाब से। ओके, और मेरे भाई उसके बाद से स्मूथ करिएगा लो, कितना मतलब भावकाल वाला स्मूथ होगा। देखिएगा लो आप लोग, और यहाँ पे साइज को हल्का और माइनस कर दीजिएगा लो और मतलब अच्छा से स्मूथ करिएगा लो।
और मेरे भाई एक गलती और है फेस स्मूथ से ब्लैक ब्लैक सा होने का, ठीक है। आप लोग यार ऐसे ऐसे पोत देते हैं लोग ऐसे ऐसे, तो ऐसे मतलब फेस स्मूथ नहीं होता है, ठीक है मेरे भाई, अच्छे से करना पड़ता है तभी हमारा स्मूथ होता है। तो फ्रेंड इसको मतलब बहुत ही अच्छा से करना पड़ता है, ठीक है। फेस स्मूथ मतलब बहुत ही टाइम लगता है हर किसी को सीखने में, और नाक पे मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता होगा, ठीक है। तो इसको हल्का साइज को हल्का माइनस रखेंगे और इसको ऐसे ऐसे अच्छा से जूम करके करना है, जूम करके, ओके मेरे भाई, जूम करके करिएगा लो तभी होगा हमारा स्मूथ। देखिएगा लो कितना भावकाल तरीका से हो रहा है ना, कितना हार्ड स्मूथ, ठीक है। तो आप लोग को भी ऐसे करना है, ठीक है मेरे भाई। और मेरे भाई फेस स्मूथ तो हमारा हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद से हमारा फेस मतलब गोरा नहीं हुआ है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। सिंपली आप लोग इस पर क्लिक कर लीजिएगा लो ऊपर के साइड, सिंपली मेरे भाई क्लिक करके, और यहाँ पे प्लस वाला आइकन है ना, तो इस पर क्लिक करके और एक लेयर बनाकर, और इसको नॉर्मल होगा तो इसको सॉफ्ट लाइट कर लीजिएगा लो, ओके। और मेरे भाई उसके बाद से अब डायरेक्ट इसको यहाँ पे कलर का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली इस पर क्लिक करके और इसको वाइट कर लीजिएगा लो, ओके। और फ्रेंड उसके बाद से ब्रश पे डायरेक्ट क्लिक कर लीजिएगा लो, और यहाँ पे हमारा ब्रश मिल जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक कर लीजिएगा लो, ओके। साइज को हल्का माइनस कर लीजिएगा लो, और सिंपली आप लोग को मतलब जहाँ गोरा करना है ना वहाँ पर आप लोग गोरा करिएगा लो। आप लोग मतलब देख सकते हैं एकदम रियल HDR हो रहा है ना, जैसा थंबनेल में दिखाई दे वैसा ही गोरा हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड आप लोग यार वीडियो को स्किप करके देखे होंगे तो समझ में नहीं आया होगा, तो आप लोग यार वीडियो को स्किप करके देखिएगा लो तो कैसे समझ में आएगा। आप लोग देख सकते हैं कितना हार्ड स्मूथ हो रहा है ना, कितना मतलब हार्ड गोरा हो रहा है, तो आप लोग को भी ऐसा होगा, ठीक है, जब आप लोग वीडियो की स्किप करके नहीं देखे होंगे तो ऐसा ही सेम गोरा होगा। मतलब बहुत हल्का हाथों से करना पड़ता है गोरा, ठीक है, तभी हमारा स्मूथ एंड गोरा होता है। मेरे भाई हम भी ऐसे गोरा करते हैं, सेम ऐसा ही गोरा करते हैं, ठीक है। मतलब कोई यूट्यूबर है ना ऐसा नहीं बताया होगा, क्योंकि आप लोग जान जाएंगे तो आप लोग भी मतलब उनके जैसा कर सकते हैं, इसलिए मतलब कोई यूट्यूबर नहीं बताता होगा ऐसा गोरा करने का, ठीक है। और मेरे भाई उसके बाद से ये देखिए हमारा फ़ोटो मतलब गोरा हो चुका है, और उसके बाद से मतलब ज़्यादा ओवर गोरा दिख रहा है ना, तो इससे आप लोग कोई ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा लो। फिर से आप लोग लेयर वाला आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा लो, और लेयर पे क्लिक करके इसको हल्का माइनस कर सकते हैं, ठीक है, हल्का गोरा है 71+, ओके। और मेरे भाई सिंपली उसके बाद से फिर से एक और लेयर बनाना है, उसको भी सॉफ्ट लाइट करना है, ओके। और सिंपली यहीं ब्रश रहने देना है और कलर को हल्का मतलब चेंज कर देना है, ओके। यहाँ पे ऊपर के साइड कॉलर को हल्का चेंज मार देते हैं, ओके। और उसके बाद से जूम कर लेना है और इसको हल्का लिपस्टिक लगा लेना है, ठीक है। हमारा मतलब थंबनेल में ऐसा ही दिखाते हैं, जैसा थंबनेल में दिखाते हैं वैसा ही मतलब एडिट सिखाते भी हैं, और एकदम रियल, क्योंकि मतलब उठलाली से बहुत ज़्यादा डेंजर फोटो दिखता है ना इसलिए। और मेरे भाई लेयर को हल्का मतलब माइनस कर देना है, और मेरे भाई सिंपली आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऊपर के साइड एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है ऊपर के साइड पे, ठीक है। और इस पर क्लिक करने के बाद जेरो वाला आइकन होगा ना, तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा लो डायरेक्ट, और अदर्स पे क्लिक कर लेना है। और मेरे भाई डायरेक्ट आप लोग को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर चले आना है, ओके। और यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पर क्लिक कर लीजिएगा लो, और यहाँ पे कलर मिलेगा, इस पर क्लिक करके और सबसे लास्ट में चले आना है, सेंटुलेशन को हल्का प्लस कर लेना है, ओके। और इसको प्लस हल्का कर लेना है, हल्का प्लस, और इसको भी हल्का प्लस कर लेना है, ओके। और नीचे आकर और इसको यहाँ पे मैक्स वाला आइकन होगा, इस पर क्लिक करके
अरे आप पे येलो कलर हो गया, ठीक है तो इस पर क्लिक करके इसको 100 प्लस कर देना है और इसको हल्का माइनस। ओके, और मेरे भाई आप लोग को यहाँ पे कलर का ऑप्शन मिलेगा, इसको सेंटुलेशन को 100 प्लस कर देना है। ओके, और यहाँ पे कलर मिल जाएगा तो सिंपली इस पर क्लिक करके लेमिनेशन को 33 प्लस, सेंटुलेशन को हल्का माइनस। ओके, और मेरे भाई आप लोग उसके बाद से आप लोग को यहाँ पे कलर मिलेगा ना ब्लू कलर, इस पर क्लिक करके सेंटुलेशन को 100 माइनस करना है। और फिर से आप लोग को रेड कलर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके ह्यू को हल्का प्लस करिएगा, हल्का माइनस 35 माइनस, और फोटो को सिंपली डन कर लीजिएगा लो। और मेरे भाई आप लोग यार इतना ही से देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, एकदम रियलिटी एडिटिंग बताए ना। तो मेरे भाई आप लोग आशा करते हैं वीडियो पसंद आ ही गया होगा और आप लोग वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीख गए होंगे। ठीक है फ्रेंड, बहुत ही अच्छा अच्छा ट्यूटोरियल लेकर आते रहते हैं, बहुत ही कम टाइम में सिखा देते हैं। तो फ्रेंड आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी एडिटिंग रिलेटेड से वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो फ्रेंड मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।